नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में तीसरी तिमाही में विकास दर का गिरना तय है। 11 अर्थशास्त्रियों के एक ईटी पोल के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि तीसरी तिमाही में औसतन 5.0% तक गिर गई होगी, जो इस वित्तीय वर्ष में सबसे कम होगी। उन्होंने पूर्वानुमान 4.3% से 5.2% तक लगाए थे। पिछले वित्त वर्ष में तीसरी तिमाही में GDP 5.4% रही थी। बहरहाल मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर की GDP में विकास दर 6.3% रही। ये पिछली तिमाही से आधे से भी कम थी। अप्रैल जून की तिमाही में अर्थव्यवस्था 13.5% की दर से बढ़ी थी। दूसरी तिमाही की वृद्धि दर की रफ्तार कितनी धीमी रही, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले साल यानी 2021-22 की इसी तिमाही में GDP में 8.4% की वृद्धि हुई थी। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मेघालय में जनसभा को संबोधित करते हुए BJP और TMC पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि BJP देश के सभी राज्यों पर हमला कर रही है, चाहे तमिलनाडु हो, मेघालय हो, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या हरियाणा, वो सभी जगह एक ही विचार को थोपना चाहते हैं। राहुल ने मेघालय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी परंपरा, आपके इतिहास, आपकी भाषा को BJP के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। राहुल ने कहा कि केवल एक कायर ही अपनी इच्छा दूसरे पर थोपना चाहता है। उन्होंने कहा कि BJP से हमको मिलकर लड़ना है, उससे लड़ने का तरीका प्यार और शांति और एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करके है। हम मेघालय में आपको समझने, आपके इतिहास, आपकी संस्कृति का सम्मान करने आए हैं। मैंने जो मेघालय की संस्कृति की जैकेट पहनी है, ये आपको और आपके पूर्वजों के सम्मान में है, आपकी संस्कृति के सम्मान में है। लेकिन PM मोदी आएंगे, वो ये जैकेट पहनेंगे, लेकिन इसको पहनकर वो आपकी ही भाषा, आपकी ही संस्कृति पर हमला करेंगे। राहुल गांधी ने मेघालय में TMC पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी TMC BJP की सहयोगी है। राहुल ने कहा कि गोवा में TMC गई, जमकर पैसा खर्च किया और मकसद था BJP को फायदा पहुंचाना। वो यहां भी BJP की मदद कर उसको मजबूत बनाने के लिए आए हैं। राहुल ने कहा कि आप TMC का भी इतिहास जानते हैं, जो हिंसा बंगाल में होती है, जो शारदा घोटाले जैसे घोटाले हैं और भ्रष्टाचार है, आप उनकी संस्कृति से अवगत हैं। राहुल गांधी के TMC पर हमले के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि लोग सोच रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी परिपक्व हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। समाचार एजेंसी NI के अनुसार जयप्रकाश मजूमदार ने कहा, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP को रोकने के लिए महागठबंधन बनाने को लेकर एक बयान दिया। राहुल गांधी का बयान नाटकीय रूप से उसके उलट है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी TMC पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से मेघालय में हमला किया, वो उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता जाहिर करता है। वो कभी ये नहीं सोचते कि आगे क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं हुई तो BJP को रोकना मुश्किल होगा। TMC नेता ने कहा कि गठबंधन तैयार करने के लिए उन्हें 50 और 60 के दशक की मानसिकता से बाहर आना होगा। राहुल गांधी से जिस परिपक्वता की उम्मीद थी, वो दिख नहीं रही है। कांग्रेस के मन में अब साफ नहीं है कि उन्हें गठबंधन कहां करना है और किस पार्टी से संघर्ष करना है। बता दें, राहुल गांधी का TMC पर हमला ममता बनर्जी के भतीजे और TMC के नेता अभिषेक बनर्जी के हमले के बाद आया था। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस BJP की भी टीम है, उसको वोट देने का मतलब है BJP को वोट देना, उनके बीच साठगांठ है। विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाले बयान के बाद जदयू नेता KC त्यागी ने कहा है कि अभी विपक्षी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बता दें, खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस 2024 में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करेगी। इसी के बाद जदयू नेता का ये बयान आया। NDTV से बात करते हुए KC त्यागी ने कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने एकता के प्रयास शुरू किए, लेकिन इसी बीच क्षेत्रीय पार्टियां भी एक मोर्चा बनाने में लगी हैं, जिसका स्वरूप कांग्रेस और BJP से अलग होने वाला है। इसमें के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हैं, और फिर एक रैली विजयवाड़ा में शायद होने वाली है, जिसमें गैर कांग्रेसी, गैर BJP नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के बिना विपक्षी एकता कैसे होगी, इसे लेकर हमें शक है। जदयू नेता ने कहा कि पक्ष की एकता के लिए 2024 का नीतीश फॉर्मूला अलग है और सॉलिड है। वो चाहते हैं कि 2024 में BJP के खिलाफ विपक्ष एक मजबूत उम्मीदवार हो। जिन राज्यों में कांग्रेस की बढ़त है, वहाँ कांग्रेस लीड करे। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व भी बड़ा है और पार्टी बड़ी है, वहाँ नेतृत्व क्षेत्रीय दलों को ही सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सवाल भी अभी तय नहीं हुआ है। ये तय हो जाता तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के सभी नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं,
हम यूपीए और एनडीए और थर्ड फ्रंट के साथ भी रहे हैं, उनका भी उपयोग जरूरी होने पर हम कर सकते हैं। कुमार विश्वास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर एक विवादित टिप्पणी कर फंस गए हैं। उन्होंने कथित तौर पर आरएसएस का जिक्र करते हुए कुपढ़ और अनपढ़ वाली टिप्पणी की थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उन्हें निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने दो टूक कह दिया कि कुमार विश्वास कथा पढ़े, प्रमाण पत्र न बांटे। कुमार विश्वास उज्जैन में रामकथा कर रहे हैं। उनकी कथा के 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजक मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग है। रामकथा में मंगलवार को कुमार विश्वास ने एक प्रसंग के दौरान आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपढ़ कह दिया। उन्होंने ये बात बजट पर टिप्पणी करते हुए कही। कुमार विश्वास की इसी बात को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ दिए। उज्जैन नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सोनी गहलोत ने कहा, कुमार विश्वास को इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी होगी, अगर माफी नहीं मांगी तो यहां आगे के कार्यक्रम को रोक दिया जाएगा। तमाम विवाद और बीजेपी संघ की चेतावनियों के बीच कुमार विश्वास ने बुधवार को वीडियो बयान जारी करके सफाई पेश की है। अपनी सफाई में आरएसएस के उदाहरण को समझा पाने में गफलत की बात कही। उन्होंने कहा, कुछ विघ्न संतोषियों ने उदाहरण को अकारण तूल दे दिया है, कथा को भंग करने की बात कर रहे हैं। कुमार ने तंज भरे अंदाज में सवाल उठाकर ये भी कहा, राम की कथा को कौन भंग करता है मालूम है ना। कुमार ने वीडियो बयान में ये भी कहा, वो कल भी अस्वस्थ थे और आज भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुखार से ग्रसित हैं। आज नया प्रसंग सुनाएंगे, शंकर के राम वाले आज के प्रसंग को शांत चित्त से सुनने हेतु उत्सव धर्मी पधारें। अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से लगातार झटके लगते जा रहे हैं। अब सीके बिरला ग्रुप की फर्म ओरिएंट सीमेंट ने बुधवार को कहा कि उसने अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड के साथ एक नॉन बाइंडिंग एमओयू खत्म कर दिया है। ओरिएंट सीमेंट ने कहा कि हम सूचित करते हैं कि APML यानी अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड ने कंपनी से अनुरोध किया कि वो इस कारोबार को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि वो कुछ कानूनी मुद्दों के कारण CGU के लिए जरूरी लैंड को लीज पर देने के लिए MIDC प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इसने आगे कहा कि MOU के अनुसार तय की गई टाइमलाइन भी पार हो गई है। कंपनी ने कहा कि APML की स्थिति को हमने स्वीकार कर लिया है और इसके कारण MOU समाप्त कर दिया गया है। बता दें, ओरिएंट सीमेंट ने महाराष्ट्र के तिरोदा में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड के साथ MOU साइन किया था। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट बुधवार को भी जारी रही। बुधवार को अडानी एंटरप्राइजेज 10.43% गिरकर 1404.85 रुपए पर बंद हुआ। इसके अलावा ACC मुंबई स्थित एक्सचेंज पर 3.97% गिरकर 1755.20 रुपए पर बंद हुआ। अंबुजा सीमेंट में 4.92% की गिरावट आई, जबकि अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस में 5% का लोअर सर्किट लगा। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर 4.99% नीचे थे और लोअर सर्किट पर बंद हुए। इसके अलावा BSE पर NDTV 4.13% गिरकर 202 रुपये पर बंद हुआ। बता दें, अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों का कुल इक्विटी मार्केट वैल्यू 100 अरब डॉलर से नीचे गिर गया है, क्योंकि 25 जनवरी को अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जारी होने के बाद से कंपनियों को लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज उद्धव ठाकरे की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उद्धव ठाकरे की याचिका पर नोटिस जारी किया है। बेंच ने इसके अलावा उद्धव गुट को मामले के लंबित रहने के दौरान चुनाव आयोग आदेश के पैराग्राफ 133(4) के संदर्भ में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम और चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल को बनाए रखने की अनुमति दी है। आयोग ने 26 फरवरी को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अंतरिम व्यवस्था की अनुमति दी थी। वहीं शिंदे समूह के वकीलों ने भी मौखिक रूप से शपथ दिलाई कि वो अयोग्यता की कार्रवाई जारी करके उद्धव गुट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब शिवसेना प्रमुख बनाए गए हैं। सिद्धेश रामदास कदम शिवसेना के सचिव होंगे। मंगलवार को मुंबई में हुई शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसले किए गए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक मंगलवार की शाम होटल ताज में हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक थी। इसमें पार्टी के विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं ने भाग लिया। तेजस्वी यादव के जल्द ही मुख्यमंत्री बनने के कयासों के बीच अब उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह के बयान को लेकर कहा कि ललन सिंह ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपने पूछा तभी ललन सिंह ने बोला है ना, ललन सिंह ने क्या गलत बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका मकसद भाजपा को भगाना है और अपने स्वार्थ के लिए वो सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा नहीं दे सकते।
बता दें इससे पहले सोमवार को ललन सिंह ने कहा था कि किसने कहा कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। 2025 अभी बहुत दूर है। राजस्थान के रहने वाले नासिर और जुनैद की भिवानी में हुई हत्या के बाद मामला बढ़ता जा रहा है और आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायतें की जा रही हैं, जो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। मोनू के अलावा बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोनू की गिरफ्तारी के बाद से उसके समर्थन में हरियाणा की अलग अलग जगहों पर महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें उसको रिहा करने की मांग की जा रही है। ऐसी ही एक महापंचायत बुधवार को मेवात इलाके में पड़ने वाले हथीन में भी हुई। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना ने दावा किया है इसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ जुटाई गई थी। महापंचायत में आए वक्ताओं ने कहा कि मोनू को फंसाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इससे एक दिन पहले मंगलवार को मानेसर में भी मोनू के पक्ष में महापंचायत हुई थी। हथीन की इस महापंचायत के लिए हिंदू संगठनों ने पहले से ही काफ़ी तैयारियां की हुई थी। इसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल, मेवात और फरीदाबाद तक के लोग शामिल हुए। महापंचायत में शामिल हुए लोगों का कहना है कि मोनू मानेसर को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन साजिशकर्ताओं को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इस मामले में मोनू मानेसर का कोई लेना देना नहीं है। बता दें इससे पहले हरियाणा में हुई एक महापंचायत में कहा गया था कि अगर राजस्थान पुलिस वहां कार्रवाई करने जाती है तो वो अपने पांव पर लौटकर वापस नहीं जाएगी। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय को मेयर चुन लिया गया है। आपकी शैली ओबेरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हरा दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट के जरिए यह दावा किया, शैली ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया है। बाद में एमसीडी के पीठासीन अधिकारी ने शैली ओबेरॉय को आधिकारिक रूप से विजयी घोषित कर दिया। आज वोटिंग शांतिपूर्ण रही, हालांकि जीतने के बाद खुशी में आपके पार्षदों ने नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल दिल्ली के नए डिप्टी मेयर चुने गए हैं। डिप्टी मेयर के लिए हुए चुनाव में आले मोहम्मद को 147 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के कमल बागड़ी सिर्फ 116 वोट पा सके। वहीं मेयर पद के लिए हुए चुनाव में आपकी शैली ओबेरॉय को 150 और भाजपा उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। बीबीसी की पीएम मोदी को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाए जाने और उसके बाद फिर भारत में बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी के छापों को लेकर अब यह मुद्दा ब्रिटेन की संसद में गूंजा है। मंगलवार को संसद में विपक्षी सांसदों ने ब्रिटेन की सरकार से पूछा कि वो इस मामले पर भारत सरकार से बात करे और अपना रुख बताए। ब्रिटेन की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के सांसद जिम शैनन ने कहा, हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि एक धमकाने वाली कार्रवाई थी जिसे देश के नेता के प्रति आलोचनात्मक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद अंजाम दिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि भारत सरकार की इस कार्रवाई का पत्रकारों, मानवाधिकार वकीलों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर काफी गंभीर असर पड़ा है। क्या मंत्री मुझे और इस सदन को बता सकते हैं कि सरकार इस मामले में भारतीय उच्चायोग को समन करने वाली है या वो अपने समकक्ष के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे? विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद ब्रिटानी सरकार में मंत्री डेविड रटले ने अपनी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने पहली बार जानकारी दी कि ब्रिटेन के मंत्रियों ने इस बारे में अपने भारतीय समकक्षों से बात की है। उन्होंने कहा कि इस मामले को उठाया गया है और हम लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीबीसी को काउंसलर मदद की पेशकश की गई थी। इस दौरान कई सांसदों ने भारत और उसके लोकतंत्र को लेकर भी तीखी टिप्पणियां की। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बाद भारत में की गई कार्रवाई को लेकर लेबर पार्टी के नेता फैबियन हैमिल्टन ने चिंता जताई और कहा कि जहां सही मायनों में प्रेस अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसे लोकतांत्रिक देश में बिना वजह आलोचनात्मक आवाजों को नहीं दबाया जा सकता। अभिव्यक्ति की आज़ादी की हर कीमत पर रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते बीबीसी के भारत स्थित दफ्तरों पर छापा मारा जाना चिंताजनक है, चाहे इसकी आधिकारिक वजह कुछ भी हो। बीबीसी दुनिया भर में अपनी उच्च गुणवत्ता वाली भरोसेमंद रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है और उसे बिना किसी डर के रिपोर्टिंग करने की आज़ादी होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दिन पहले ही चीन को लेकर राहुल गांधी पर जो हमला किया उसका आज कांग्रेस ने जवाब दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत ने विदेश मंत्री के ही दावों का हवाला देते हुए कई कड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने जयशंकर को देश के सबसे विफल विदेश मंत्री करार देते हुए तंज कसा कि चीन को लाल आंख दिखाने की बजाय लाल शर्ट पहनकर स्वागत क्यों किया जा रहा है। बता दें एस जयशंकर ने एक दिन पहले ही ANI को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं सबसे लंबे समय तक चीन का राजदूत रहा और बॉर्डर मुद्दों को डील कर रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सबसे अधिक जानकारी है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मुझे इस विषय पर काफ़ी कुछ पता है। अगर राहुल गांधी को चीन पर ज्ञान होगा तो मैं उनसे भी सीखने के लिए तैयार हूँ। जयशंकर ने कहा कि चीन से हम डरते नहीं हैं, सीमा पर यह सेना राहुल गांधी ने नहीं भेजी, नरेंद्र मोदी ने भेजी।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने एस जयशंकर के बयान को लेकर कहा कि उन्होंने कल जो बयान दिया वो चिंताजनक है। जयशंकर ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी है और हमारी छोटी अर्थव्यवस्था है, हम जाकर उनसे लड़ नहीं सकते। सिनेत ने जयशंकर के इस बयान को लेकर कहा कि गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत हुई और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था हैं तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं सेना के शौर्य पराक्रम उनके हौसले के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह तो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश को तो लड़ना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। जयशंकर से कांग्रेस ने सवाल पूछा, आप और आपके आका चीन का नाम क्यों नहीं लेते, अप्रैल 2020 की यथास्थिति कैसे बनेगी, 20 जाबाजों की शहादत के बाद भी व्यापार घाटा कैसे बढ़ जा रहा है, 20 जाबाजों की शहादत के बाद भी व्यापार घाटा कैसे बढ़ता जा रहा है, चीनी अतिक्रमण के बारे में वो क्या कहेंगे, पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन कैसे बनते जा रहे हैं, क्या उन्होंने पीएम को सलाह दी थी कि देश को बताएं कि कोई घुसा नहीं है, क्या चीन सीमाई क्षेत्र में पुल बना रहा है उस पर वो चुप रहेंगे, चीन सीमा क्षेत्र में जो रेल लाइन बना रहा है उससे क्या भारतीय अखंडता को खतरा नहीं है। गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी ANI ने जानकारी दी। सिसोदिया के खिलाफ जासूसी के आरोप CBI ने एक रिपोर्ट में सामने रखे हैं। इसमें दावा किया गया है कि 2015 में दिल्ली में सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एक फीडबैक यूनिट का गठन किया था। खबर सामने आने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में सिसोदिया ने कहा, अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी हम पर और भी बहुत केस किए जाएंगे। केंद्र का ये आदेश ऐसे समय जारी हुआ है जब सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले मामले में CBI के रडार पर है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सिसोदिया के खिलाफ कई अन्य मामलों में भी जांच के आदेश दे रखे हैं। लोक कलाकार सिंगर नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें शाम को नोटिस दिया है। नोटिस में 7 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। दरअसल हाल ही में एक गाना उनका आया है जो UP में काबा सीजन 2 है, इसी गाने से मामला जुड़ा है। नोटिस में लिखा गया है कि उनके गीत ने समाज में वैमनस फैलाने का काम किया है। बता दें इस गाने में योगी आदित्यनाथ सरकार के राज्य के कानपुर में बेदखली अभियान के लिए ताना मारा गया है। इस घटना में एक माँ और एक बेटी की मौत हो गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आरोपों और हमलों के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड की राजधानी वारसा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधा। बाइडेन ने कहा कि तानाशाह केवल एक शब्द समझते हैं, नहीं नहीं नहीं। नेटो को पहले से अधिक मजबूत बनाने का वादा करते हुए बाइडेन ने कहा, पुतिन ने सोचा था कि दुनिया पलट जाएगी लेकिन वो गलत थे। उन्होंने कहा कि रूसी हमले के दौरान यूक्रेन मजबूत, गर्व से भरपूर, बड़ा और आज़ाद है और यूक्रेन को पश्चिमी देशों का समर्थन बेकार नहीं जाएगा। बाइडेन ने पश्चिमी देशों के लोकतंत्र की सराहना करते हुए कहा कि वे सब रूसी हमले की मंशा उजागर करने के लिए एकजुट हैं। बता दें पुतिन ने कहा था कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, सरकार सभी पर कब्जा कर लिया है और जेलेंस्की ने अपने लोगों को धोखा दिया है। पुतिन ने इस युद्ध को शुरू कराने का असली गुनहगार पश्चिमी देशों को बताया। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।